हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो है हमारे पास, हम पेपर पढ़ रहे हैं वो है आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2005 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, लेट एफ कोई फंक्शन है आर टू आर वी डिफाइन सच दैट एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड लेट यू वी आर नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर। जो यू है वो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर है। देन हमारे पास एफ यू ओपन होगा, एफ इनवर्स यू ओपन होगा, एफ यू क्लोज होगा, एफ इनवर्स यू क्लोज होगा, ये हमें देखने हैं फ्रेंड्स। गिवन एफ जो है आर टू आर डिफाइन है एफ टी बराबर टी स्क्वायर, लेट यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, आई यू जो है बिलोंग्स टू ए और बी, यानी कि इस तरह से कोई ओपन सबसेट है। देन एफ यू बिलोंग करेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो ऐसा हो ये ट्रू नहीं है, नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? अगर u हमें माइनस सिक्स टू सिक्स लें तो हमारे पास एफ यू जो बिलोंग कर रहा है वो जीरो टू 36 कर रहा है, यानी कि माइनस इसके अकॉर्डिंग तो ये 36 टू 36 करना चाहिए था, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सिक्स का होल स्क्वायर भी 36 और 36। तो इस तरह से ये हमारे पास कि एफ यू है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से डिफाइन होगा, इस तरह से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से हो गया, अगर एफ अगर हमारे पास इन्वर्टेबल है, अगर एफ इन्वर्टेबल तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ इनवर्स यू जो होगा ओपन होगा, तो एफ इनवर्स यू जो होगा ओपन होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। थैंक यू।